मुख्यमंत्री ने माफी मांगी, अजीत पवार ने माफी मांगी, प्रधानमंत्री ने भी आके माफी अरे भाई लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने अभी तक माफी भी नहीं मांगी और जो आपका प्रोटेस्ट है उसको विरोध मतलब परमिशन नहीं दी जा रही है। क्या यही तो समस्या है इस महाराष्ट्र में, ये सबके सूत्रधार देवेंद्र फडणवीस है, ये पूरा देश जानता है, मोदी जी भी जानते हैं, इसलिए तो मोदी जी को माफी मांगनी पड़ी। बात ऐसी है भाई, मुख्यमंत्री हो डिप्यूटी सीएम माफी मांग ली, उससे माफी से क्या प्रश्न खत्म होगा समस्या? महाराष्ट्र की जनता की जो भावना है, हाँ जो चीड़ है, उनको व्यक्त होने दो। क्या हम चुप बैठेंगे? छत्रपति शिवाजी महाराज की इतनी बड़ी मूर्ति टूट गई, वो भी महाराज के किले 7 महीने में, और हम चुप बैठे? ये जनता महाराष्ट्र की नामर्द है, जनता इस महाराष्ट्र की। तो हमको एक आंदोलन करना है डेमोक्रेटिक तरीके से, लोकतंत्र की ये एक बहुत बड़ी खूबी है कि हम आंदोलन कर सकते हैं कहा, लेकिन हमको छत्रपति शिवाजी महाराज के सम्मान में छत्रपति शिवाजी महाराज के सम्मान में हम हमारी भावना व्यक्त करने के लिए आज वहां इकट्ठा हो रहे हैं। हमको रोका जा रहा है, फिर भी माननीय शरद पवार जी, माननीय उद्धव ठाकरे जी, नाना पटोले जी, कांग्रेस शिवसेना एनसीपी के सभी नेता, हजारों कार्यकर्ता आज वहाँ हुतात्मा स्मारक जो है वहाँ इकट्ठा हो गए, और गेटवे ऑफ इंडिया पर जो शिवाजी महाराज का स्टैचू है वहाँ जाएंगे। ये तो हमारा अधिकार है, आप हमें रोक नहीं सकते, चाहे आप हमें अरेस्ट कर लीजिए, आपके हाथ में पुलिस है। देवेंद्र फडणवीस जी, आप हमें अरेस्ट कर लीजिए, आपको यही करना है, आप कर लीजिए, आप महाराष्ट्र के खलनायक हैं और रहेंगे हमेशा इतिहास में, आपका नाम महाराष्ट्र के खलनायक के तौर पर रहेगा। सब बीजेपी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है, ये पगला कही लो। हम छत्रपति शिवाजी महाराज जी के सम्मान में हमारा आंदोलन चलेगा, कोई सरकार के खिलाफ नहीं है, उनके सम्मान में है। आपने जो अपराध किया है छत्रपति शिवाजी महाराज के स्टैचू गिराने का, उसमें भ्रष्टाचार करने का, तो उसके खिलाफ लोकतंत्र में विपक्ष आवाज नहीं उठा सकता, तो हमारे खिलाफ बीजेपी आंदोलन करेगी, यानी शिवाजी महाराज के विरोध में आंदोलन करेगी। इस राज्य में पहली बार ये हो रहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के सम्मान में कोई आंदोलन कर रहा है, उनके खिलाफ देवेंद्र फडणवीस जी की बीजेपी, मैं देवेंद्र फडणवीस जी की बीजेपी बोल रहा है, आंदोलन करे, ये बीजेपी महाराष्ट्र से पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। आप देखिए सर, मेगा ब्लॉक के बारे में, मेगा ब्लॉक के बारे में महाविकास आघाड़ी ने कभी छत्रपति शिवाजी महाराज का सम्मान किया ही नहीं, और आज ये कौन बोलेंगे? देवेंद्र फडणवीस। अरे देवेंद्र फडणवीस कौन है? वो क्या शिवाजी महाराज के बारे में बात करेंगे? उसने क्या सम्मान किया? मूर्ति गिराई ना, यही सम्मान है। उनके राज्यपाल जो बैठे थे बीजेपी के नेता कोश्यारी, खुलेआम उनके सामने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में अपशब्द बोल रहे थे, तब फडणवीस चुप रहे? उनके मंत्री पुतला गिरता है तो अच्छा हो गया, उससे अच्छा ही होगा, ये बोलने वाले मंत्री के साथ बैठते हैं देवेंद्र फडणवीस जी, क्या बोलते हैं देवेंद्र फडणवीस? ये तो महाराष्ट्र के विलन है, खलनायक है। सर आपको रोका जाएगा, रोका जाएगा तो क्या करेंगे? असं कोण म्हणताय? असं देवेंद्र फडणवीसच बोलले असतील। अशा प्रकारचं स्टेटमेंट हे या राज्यात फक्त देवेंद्र फडणवीसच करू शकतात, कारण या फडणवीसांना छत्रपतींविषयी फक्त पुतना मावशीचं प्रेम आहे, राजकीय प्रेम आहे, त्यांना कधी शिवाजी महाराजांविषयी या राज्याच्या अस्मितेविषयी प्रेम वाटलं नाही। जेव्हाही सत्तेत नव्हते तेव्हा त्यांना विदर्भ वेगळा करायचा होता, आणि त्यासाठी ते लग्न न करण्याची त्यांची घोषणा होती। छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अखंड महाराष्ट्र हा तोडण्यासाठी ज्यांनी लग्न न करण्याचा निर्धार केला होता ते देवेंद्र फडणवीस आम्हाला सांगतात, छत्रपती शिवाजी महाराजांविषयी आम्हाला अस्मितेविषयी सांगतात। अहो तुमचे राज्यपाल भाजपचे राजभवनात बसून छत्रपतींचा अपमान करत होते तेव्हाही तुम्ही गप्प बसलात फडणवीस? तुमचे एक मंत्री या मंत्रिमंडळातले पुतळा तुटला, हे बरं झालं, यातून बरंच घडेल हे सांगतात, तुम्ही साधा निषेधाचा शब्द काढत नाही मिस्टर फडणवीस। हा तुमचे एक मंत्री कर्नाटकात जातात आणि मला इथेच जन्म घ्यावासा वाटतो असं सांगतात, हा शिवरायांचा अपमान वाटत नाही त्यांना? हा तुमच्या काळामध्ये जेवढा शिवरायांचा अपमान झालाय बरं का, तेवढा अपमान त्यांचा मोगलांनी आणि ब्रिटिशांनी पण केला नसेल।
सर अरेस्ट अगर आपको रोका जाएगा तो क्या रोक कर क्या करेंगे, पुलिस है, अरेस्ट ही करेंगे ना। हाँ हमको अरेस्ट करेंगे, करने दो, हम पूरे तैयारी से जा रहे हैं, हमको अरेस्ट करें। सर आने नहीं दिया जा रहा है, मेगा ब्लॉक आप बोल रहे पूरी तरह से आज लोकल ट्रेन बंद कर दी है, कितना डर है उनके मन में शिवाजी महाराज के नाम से। देखिए हमको आने नहीं दिया जा रहा है, हमारे कार्यकर्ताओं को आंदोलन की जगह पर पहुंचना मुश्किल हो जाए, इसलिए आज ट्रेन बंद कर दिया, ट्रेन बंद कर दिया। देखो भाई लोकल ट्रेन बंद कर दिया, और जहां से हमारे कार्यकर्ता निकल रहे हैं वो बसेस को रोका जा रहा है। हाँ ये डेमोक्रेसी है महाराष्ट्र में, और आप पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल न्यूज इंडिया फर्स्ट को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड यस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।